खबर उत्तराखंड के कालाढूंगी से है, जहां वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि वन सुरक्षा दल रामनगर और कालाढूंगी रेंज की टीम ने ग्राम तालिया और पतलिया कोटाबाग में दो घरों में छापेमार कार्रवाई की है। छापे के दौरान मोहन सिंह निवासी तालिया के घर पर वन्यजीव सांभर के पैर और मांस अवैध रूप से मिले हैं और तीनों अभियुक्तों मोहन सिंह और उसके पुत्र मनीष और प्रताप राम को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी अभियुक्तों को उनके बयानों और अवैध शिकार में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की गई है। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। ये तनिया गांव के ये थे, हमें इंफॉर्मेशन मिला था एक हमारे क्लास मुखबिर से, तो लगभग 6:30-7 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिला, तो हमारा ये एसओजी टीम को वहाँ रवाना कर दिए। तो इन्होंने वहाँ तलिया गांव में जाके एक आदमी को पकड़ा जो जिसके घर में सांभर के बॉडी पार्ट्स थे और सांभर के मीट भी थे। उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको ये पता चला कि एक और है पतलिया गांव से, वहां से थोड़ा दूर, तो उनके घर के घर में उनका एक गन है, वो जो वेपन शिकारी में यूज किया गया था, तो उसको अगले शिकार में यूज किया गया था, तो वहां जाके उनको गन के साथ और मीट के साथ पकड़ा और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हल्द्वानी कोर्ट में प्रोड्यूस किए और उनको जेल भेजा गया है।